ਪਰ ਦਮਨ ਦੀਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਪ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਮਰ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਪਦਕ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। देखो मैं तो बड़ी खुशी है कि बरनाला छोटा शहर हैगा, इहदे विचों मतलब इस तरह टैलेंट निकलना। मैनू इह भी पता कि टैलेंट बरनाले दा पहले भी वधिया रहेगा। हॉकी दे विच बरनाले ने काफ़ी वड्डे प्लेयर दिते हैगे आ समुची नैशनल टीम नूं, अपने नूं जिहड़े हैगे आ। बरनाला एक वधिया नहीं हैगा, मतलब छोटा शहर हो सकदा, पर इत्थों दी टैलेंट नूं असीं किसे तरह नगेट नहीं कर सकदे हैगे। मतलब खुशी तो देखो स्पोर्ट्स वाले हर एक होंगी है कि जो साडे किसी बरनाले दे शहर दे बंदे दी बच्चे की प्राप्ति एड्डी वड्डी होवे, उहदी खुशी तो होनी चाहिए है। तो मैनूं तो बहुत खुशी है इसकी। अज असीं बहुत खुश हाँ जी, बागो बाग हाँ पूरी तरह, क्योंकि साढ़े वीर बलदेव सिंह मान के बेटे दमनीत ने किनिया चल रही यूथ खेडां चों देश लई सिल्वर मैडल जितया, जिस नाल जिथे देश का माण वध्या उत्थे असीं परिवार वधाई का पात्र है, क्योंकि परिवार ने उसनू इसदे योग बनाया। सो मैं हुण नौजवानां नू अपील करदा कि नशे छड्ड के खेडां च आउण ते देश का नाम उच्चा रोशन करन।